नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इट्स अबाउट एवरीथिंग के एक नए एपिसोड में। और आज के एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप जो लीनियर वोल्टेज रेगुलेटर होता है उसे पैरेलल कनेक्शन करके उसकी कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि मैंने एक डायग्राम बनाया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 15 वोल्ट का इनपुट है और 3 LM7812 जो 12 वोल्ट का लीनियर रेगुलेटर है, वैसा 3 रेगुलेटर कनेक्टेड है पैरेलल कनेक्शन पर। और आउटपुट पर आप देख सकते हैं कुछ रेजिस्टेंस लगा हुआ है और फिर उसके बाद एक मोटर तक इसका कनेक्शन जा रहा है। तो बेसिकली पहले तो मैंने रेजिस्टेंस क्यों लगाया है, और दूसरी बात कि मैंने आप एक लीनियर रेगुलेटर का क्यों इस्तेमाल करेंगे वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए। उसके जगह पर बक कन्वर्टर भी मिल जाता है, या फिर आप एक लीनियर रेगुलेटर के साथ आप एक ट्रांजिस्टर को कनेक्ट करके उसकी कैपेसिटी को भी बढ़ा सकते हैं। तो वैसे तो एफिशिएंसी के हिसाब से देखा जाए तो बक कन्वर्टर ही बहुत ही बेहतर है, लेकिन ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के पर्पस से मैं बता रहा हूँ कि मान लीजिए आपके पास ट्रांजिस्टर नहीं है, तो आपके पास 3-4 रेगुलेटर पड़े हुए हैं, तो आप इन 3 रेगुलेटर को या फिर 4 रेगुलेटर जितने भी हैं उन सभी को क्या पैरेलल कनेक्शन करके आप इसकी कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं या नहीं। तो पहला चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ कि जो इस तरीके के लीनियर रेगुलेटर होते हैं वो फीडबैक जो होता है नेगेटिव फीडबैक, उसके अंदर एक ऑप एम्प होता है, उसके साथ एक नेगेटिव फीडबैक लूप पर वो लगा होता है, तो एक वोल्टेज डिवाइडर होता है उसके अंदर। और वोल्टेज डिवाइडर जो है वो एक रेफरेंस वोल्टेज के साथ जो कंपेयरिंग जो वोल्टेज इसके अंदर बनाएगा वो वोल्टेज डिवाइडर, उन दोनों वोल्टेज को कंपेयर करके वोल्टेज को रेगुलेट करता है। आप अगर मेरा पिछले वाला वीडियो देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से लीनियर रेगुलेटर्स काम करते हैं। तो ये जो वोल्टेज डिवाइडर है ये एकदम से एक्यूरेट नहीं है, यानी जब आउटपुट को आप मेजर करेंगे एक मल्टीमीटर से तो आपको पता लग जाएगा कि सभी रेगुलेटर्स में आप 0.01 या फिर 0.02 वोल्ट्स का डिफरेंस आप देखेंगे। जैसे कि 5 वोल्ट के रेगुलेटर में मान लीजिए 5.1 वोल्ट शो कर रहा है या फिर 5.02 वोल्ट शो कर रहा है, लेकिन आप दूसरे रेगुलेटर पे चेक करेंगे तो उसके अंदर 5.05 भी शो कर सकता है। तो ये जो थोड़ा बहुत जो डिफरेंस है ये नॉर्मली तो सर्किट पर आप किसी भी सर्किट पर लगाएंगे तो उस पर इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप इसे पैरेलल कनेक्शन के इस्तेमाल के लिहाज से अगर आप कनेक्ट करेंगे तो ये छोटा सा भी जो वोल्टेज डिफरेंस है इसकी वजह से इक्वली जो लोड है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, और एक रेगुलेटर पर ज़्यादा लोड पड़ेगा और बाकी के रेगुलेटर पर कम लोड पड़ेगा, तो इससे अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट भी होगा, एक ज़्यादा हीट होगा और दूसरा कम हीट होगा। तो यहाँ पर इस अनइवन लोड डिस्ट्रीब्यूशन को एकदम से समान रखने के लिए आउटपुट पर एक रेजिस्टर लगाया गया है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर 5 ओम्स ग्रेटर देन 5 वाट रेजिस्टर का मैंने लिख के रखा है यहाँ पर डायग्राम पर। तो मैंने ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने जब टेस्ट किया था तो मैंने, क्योंकि 3 रेगुलेटर्स का कैपेसिटी 3 एम्पियर है और मैंने लोड लिया था करीब 1.5 एम्पियर के आसपास, 1.2 एम्पियर के आसपास मैंने लोड लिया था, तो उस हिसाब से मैंने ये वाला रेजिस्टेंस लगाया था। तो आपको जो रेजिस्टेंस है वो आपको अपने हिसाब से लगाना है, अपने लोड के हिसाब से लगाना है। और ये वैसे मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जैसे कि मान लीजिए जब आप कोई लोड कनेक्ट करते हैं तो ये जो रेजिस्टर है इसके अक्रॉस ऊपर और नीचे एक वोल्टेज ड्रॉप होगा, और इसी वोल्टेज ड्रॉप पर निर्भर करेगा कि कितना करंट वो डिलीवर कर रहा है। यानी कि अगर 12 वोल्ट के रेगुलेटर पर अगर 2 या 3 वोल्ट ड्रॉप कर जाता है इस रेजिस्टेंस के ऊपर और नीचे, आगे और पीछे मान लीजिए, ऊपर और नीचे नहीं, तो वो जो वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है इस कारण से आपका जो लोड है उस पर सफिशिएंट वोल्टेज नहीं पहुंचेगा। 12 वोल्ट से नीचे और भी लो वोल्टेज पहुंचेगा तो रेगुलेटर इस्तेमाल करने का जो पर्पस है वही नहीं रहेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको ऐसा रेजिस्टेंस चूज़ करना है जिससे कि आप जब कम्प्लीटली 1 एम्पियर का लोड या फिर 2 एम्पियर का 3 एम्पियर का लोड देंगे तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज सबसे मिनिमम ड्रॉप हो, जैसे कि 0.5 वोल्ट्स या फिर 0.2 वोल्ट्स या फिर 0.02 वोल्ट्स, अगर उससे भी कम हुआ तो और भी बेहतर है। तो इससे होगा ये कि जब भी थोड़ा बहुत वोल्टेज डिफरेंस, जो सभी रेगुलेटर में जो थोड़ा बहुत वोल्टेज का डिफरेंस है
वो इक्वलाइज हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा इन रेजिस्टर की वजह से, और जो लोड है वो इक्वली लोड जो है इक्वली करंट को खींचेगा, तीनों रेगुलेटर से समान तरीके से खींचेगा। और जैसे कि एक रेगुलेटर में 0.2 वोल्ट ज़्यादा है, दूसरे में 0.3 वोल्ट, 0.3 वोल्ट नहीं, 0.03 वोल्ट या फिर 0.02 वोल्ट, तो 0.01 या 0.02 वोल्ट का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस इक्वलाइज हो जाएगा इस रेजिस्टेंस की वजह से। तो आपको कैसे टेस्ट करना है कि कौन सा रेजिस्टेंस आपको लगाना है, तो इसके लिए वैसे तो रेजिस्टेंस आपको कहाँ से मिलेगा, वेरिएबल रेजिस्टेंस तो इतने हाई कैपेसिटी का नहीं मिलता, 5 वाट या फिर 10 वाट का। तो इसके लिए ज़रूरी है, आप मैंने एक वीडियो बनाया था कि एसी का जो सीलिंग फ़ैन का रेगुलेटर है उनके अंदर नाइक्रोम वायर्स लिपटे हुए होते हैं, या फिर आप हीटर का कॉयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर कोई भी नाइक्रोम वायर से आप अपना खुद का रेजिस्टेंस बना सकते हैं। तो वैसे आप 1 ओम्स 2 ओम्स या फिर 3 ओम्स का रेजिस्टेंस बनाएं, इसे लगाएं, और लगाकर आप एक रेगुलेटर से टेस्ट कीजिए, एक रेगुलेटर पर लगाकर उस पर रेजिस्टेंस लगाकर उस रेजिस्टेंस के आगे और पीछे प्रोब लगाकर आप उसका वोल्टेज ड्रॉप टेस्ट कीजिए। अगर देख रहे हैं कि ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है तो आप रेजिस्टेंस को और छोटा कर दीजिए, वैसे 1 एम्पियर का लोड देकर आप टेस्ट कीजिए। फिर उसके बाद जब आपको वैल्यू पता हो जाएगा तो उसी वैल्यू का रेजिस्टेंस आप सारे रेगुलेटर्स पर लगा दीजिए, और उसके बाद पैनल कनेक्शन कर दीजिए, तो आपका जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो मिनिमम रहेगा। तो जो वोल्टेज ड्रॉप अगर मिनिमम रहेगा तो आपका जो एफिशिएंसी है यानी रेजिस्टेंस पर आपका जो पावर लॉस है वो ज़्यादा नहीं रहेगा। हाँ, आपके रेगुलेटर पर तो पावर लॉस थोड़ा बहुत रहेगा ही, क्योंकि ये लीनियर रेगुलेटर है और लीनियर रेगुलेटर इतने एफिशिएंट नहीं होते। तो इस तरीके से आप अगर कनेक्ट करेंगे, पैरेलल कनेक्शन पर आप लगाएंगे, तो आप अपने कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं, अपने एम्पियर कैपेसिटी को। जैसे कि यहाँ पे 3 रेगुलेटर मैंने लगाया है, तो 3 एम्पियर की कैपेसिटी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस तरीके से आप पैरेलल कनेक्शन करके चला सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरी माने तो एफिशिएंसी के हिसाब से लीनियर रेगुलेटर छोटे मोटे लोड के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर आपका लोड बहुत ज़्यादा है तो मैं तो रेकमेंड करूँगा आप बक कन्वर्टर का इस्तेमाल करें, क्योंकि लीनियर रेगुलेटर्स इतने एफिशिएंट नहीं होते और बहुत ही पावर लॉस होते हैं उनमें। तो अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, और अगर जैसे कि एक्सपेरिमेंट करने के लिए आप चाहते हैं कि ऐसा आप बना के देखना चाहते हैं, तो ज़रूर ऐसा बनाएं और देखें। और अगर इस वीडियो पर आपको कोई भी फॉल्ट या फिर कोई भी गलती नज़र आ रहा है जो कि मैंने किया है, तो आप कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।